सॉरी वो कुछ नेटवर्क इशू हो गया था। तो आज का 12 बजे का लाइव सेशन शुरू हो चुका है, प्लीज आप लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाएंगे। सबसे पहले तो हम बता दें कि चूंकि बरसात का मौसम है, बरसात में सबको चाट पकौड़े सब अच्छी लगती ही है, तो आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो है पापड़ी चाट, सबकी मनपसंद होती होती है, तो प्लीज आप लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाएंगे। तो इसके इंग्रेडिएंट्स क्या लगेंगे सबसे पहले तो हम बता दें, मैदा, बॉयल पोटैटो जो मैंने उबाल के और थोड़े से कट करके रखे हुए हैं, इसके अलावा इमली की चटनी, हरी धनिया की चटनी, नमक, काला नमक, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, टोमेटो जो कि मैंने चॉप करके रखे और इनके बीज निकले हैं, प्याज जो कि बारीक कटे हैं, भुजिया और तलने के लिए तेल, और चूंकि पापड़ी चाट बना रहे हैं तो बिना दही के तो कुछ हो ही नहीं सकता, इसके लिए हमने लिया है अमूल का मस्ती दही। ये स्वाद में तो अच्छा होता ही है, प्लस अभी हम इसका प्रयोग करेंगे तो आप देखिएगा कितना गाढ़ा और कितना स्वादिष्ट होता है। तो चलिए हम लोग आज की रेसिपी शुरू करते हैं, और जो लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन हो रहे हैं उसमें हेलो हाय लिखते रहिए, और चूंकि मैं लखनऊ से हूँ तो आप लोग भी बताते रहिए आप लोग कहाँ से ज्वाइन हो रहे हैं। ये पापड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमने मैदा ले लिया और इसमें अब हम हल्का सा नमक डालेंगे, बिल्कुल जरा सा, क्योंकि नमक अभी कई जगह डाला जाएगा। अब मोयन देने के लिए हल्का सा तेल डालना जाएगा। तेल डालने से क्या होता है कि ये पापड़ी जो है बहुत कुरकुरी बनेगी। इसका ये तरीका होता है कि जब आप इसको बांधे तो देखिए कि हाँ ये लड्डू की तरह बंध रहा है। इसमें इनफ ऑयल है, ये देखिए अच्छी तरह से इसमें मोयन हो गया है। अब हम इसको पानी डाल करके इसका टाइट डो तैयार करेंगे। अब बरसात के मौसम में सभी को ही पसंद होता है कुछ ना कुछ चटपटा खाने का, तला भुना खाने का, तो आप लोग ये पापड़ी चाट बना सकते हैं। इसका हमें सख्त आटा मलना है, हमारा ये मैदा मल के तैयार। प्लीज आप लोग ये भी लिख दीजिएगा आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हमें पता चलता रहे आज लखनऊ वालों को कहाँ कहाँ से लोग देख रहे हैं, कहाँ से आप लोग सीख रहे हैं। ये देखिए हमारा ये मैदा मल के तैयार है। ये देखिए हमारा ये डो मल के तैयार है। अब हम इसको, क्योंकि अब हमें इसकी छोटी छोटी पापड़ियां बनानी है, तो हमने यहाँ पे
कढ़ैया चढ़ा दिए, इसमें ऑलरेडी तेल हमने डाला हुआ है पापड़ियाँ तलने के लिए। जब तक इधर ये तेल गर्म हो रहा है, हम लोग यहाँ पे छोटी छोटी पापड़ियाँ बेल लेते हैं। ये छोटी छोटी पापड़ियाँ हम लोग यहाँ पे बेलते हैं और उधर तेल भी हमारा गर्म हो रहा है। एक बार में कई पापड़ियाँ आ जाएंगी उसमें। हम इसको बेल बेल के रख लेते हैं। ये छोटी छोटी, चूंकि ये 1 या 2 बाइट्स वाली होती हैं, तो ये छोटी छोटी हम इधर पापड़ियाँ बेल लेते हैं। पापड़ियाँ बेल रही हैं और इधर हमारा एक हमने पैन छोटा सा और इधर चढ़ा दिया है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आलू दाल, जो हमने आलू बॉईल किया हुआ है उसको हल्का सा भुनेंगे। कोई कच्चा आलू डालो तो उतना अच्छा लगता नहीं है। हमारे पापड़ियाँ हमने 6-7 बेल ली हैं। हमने बेल लिया और इधर हमारा ये तेल गरम हो गया है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, बस आलू को हम लोगों को हल्का सा बस भूनना है ताकि इसका कच्चा पन चला जाए। उबला हुआ तो है ही, बस थोड़ा सा और भूनना है और इसी स्टेज पे हम यहाँ पे इसमें हल्का सा नमक डालेंगे। ये मिर्चा डाला मैंने, लाल मिर्च पाउडर, और हल्का सा ये नमक डालेंगे। आलू जब हल्का सा घी में भून जाता है तो जब हम इसकी पापड़ी बनाएंगे तो वो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये देखिए हमारा भून रहा है और इधर तेल भी हमारा लगभग गर्म हो रहा है। इसके साथ ही क्या करते हैं, अब हम बाकी चीज़ों की भी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे ये मैंने अमूल का दही लिया, मस्ती दही। ये देखिए कितना थिक है, ये देखिए कितना थिक है दही। ये मैंने दही लिया, इसको हम फेर लेते हैं। वैसे ही बहुत गाढ़ा है तो इसमें हम हल्का सा पानी भी ऐड कर देते हैं। अमूल के मस्ती दही की सबसे बड़ी बात ये होती है कि खाने में टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा आता है, बहुत थिक होता है। और कुछ भी आप बनाइए, सब में अपने आप इस टेस्ट अच्छा आ जाता है। ये देखिए यहाँ पे ये हमारा तेल भी ऑलरेडी गर्म हो गया है पापड़ी के लिए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे पापड़ियाँ डाल देते हैं। ये देखें क्योंकि ये धीमी धीमी आंच पे भूनती रहेंगी। ये देखिए
रही है धीमी धीमी आंच पे। ताकि अंदर से अच्छी तरह से सिक जाए। इधर हमारा आलू भी लगभग भुन गया है। हम इसकी गैस ऑफ कर देते हैं और यहाँ पे हम दही को अच्छी तरह से तोड़ते हैं, फेंक देते हैं। अब हमें दही को छानने से क्या होगा, बिल्कुल इसमें जो भी हल्के फुल्के लम्स होंगे वो निकल जाएंगे। और एकदम स्मूथ दही निकलेगा हमारा प्लेन। ये देखिएगा, ये थी गाढ़ी दही थी। हम वहाँ पे पापड़ियों को भी एक बार पलट लेते हैं। ये भर गया हमारी दही। कितनी अच्छी स्मूथ दही हमारी निकल रही है। अब जो हमारा इसमें हल्की सी इसमें रह गई थी कटोरी में, जरा सा इसमें हम पानी मिक्स करते हैं और इसको भी हम पूरा इसमें छान लेते हैं। कितना अच्छा दही हमारा इसमें छन के निकला है, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर निकला है। और देखिए हमारा दही भी छन के पूरा तैयार हो गया। प्लीज़ आप लोग इसमें हेलो हाय भी लिखते चलिए, ताकि हमें पता चलता रहे कि आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, और अपने जिस शहर से देख रहे हैं वहाँ का नाम भी मेंशन करते चलिए। ये देखिए, इधर हम पापड़ी भी देख लेते हैं, क्योंकि ये धीमी आंच पे तल रही है। क्योंकि धीमी आंच पे तलने से क्या होगा कि ये अंदर तक बिल्कुल अच्छी तरह से सिक जाएगी। थोड़ा समय लगता है इनको सिकने में। ये देखिएगा, लगभग ये आधी से ज़्यादा हमारी सिक चुकी है, बस थोड़ा सा और 2-4 मिनट। ये देखिएगा हमारी पापड़ी सिक रही है। ये देखिएगा, हमने इसको गोदा इसलिए नहीं है ताकि जो ऊपर का फूला फूला रहेगा उसको हम लोग फोड़ के अंदर फिलिंग करेंगे।
हमारी सिक रही है, तैयार हो रही है। ये देखिए ये पापड़ी लगभग हमारी अच्छी तरह से सिक गई है। देखिए देखिएगा हमारी पापड़ी तैयार है। देखिएगा अब ये चुकी है हमारी पापड़ी लगभग तैयार हो चुकी है। अब हमको ये मैंने चुकी प्लेट के ऊपर बटर पेपर लगा के रखा है ताकि इसमें जो भी एक्सेस ऑयल होगा वो हमारा निकल जाएगा। इसमें देखिए हम गैस ऑफ कर देते हैं और इनको निकाल देते हैं। अब ये 2-4 मिनट थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर हम लोग इसमें आगे का पूरा प्रोसेस शुरू करते हैं। बस ये पापड़ी हल्की सी ठंडी हो जाए, गर्म बहुत है अभी, तो हम लोग फिर आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। ये देखिएगा ये दही भी छन के आपका कितना स्मूथ एकदम क्रीमी टेक्सचर निकला है इसका। और ये आलू भी हमने किया था ये भी ठंडा हो चुका है भून के। चाहे तो नॉर्मल उबला ही हुआ आलू ही कच्चे केवल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने हल्का सा घी में इसलिए भून लिया था नमक में इस डाल के, तो इससे ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम लोग एक एक पापड़ी और इसमें लगाते हैं। अभी चुके गरम बहुत है, ठीक है। ये हमारी पापड़ियाँ इसमें लग गई हैं। सबसे पहले हम इसमें आलू डालेंगे। आलू की अच्छी तरह से इसके ऊपर रखेंगे। और कभी भी आपके घर में कोई मेहमान आए, ये जैसे मैंने मैदे की बनाई है, आप चाहे तो केवल आटे की भी बना सकते हैं पापड़ियाँ अगर आप मैदे को अवॉइड करना चाहते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये लेंगे प्याज सबके ऊपर अच्छी तरह से ये प्याज लगाएंगे। अच्छी तरह से हम लोग इसके ऊपर सबके ऊपर प्याज लगा दिए, क्योंकि चाट तो बिना प्याज टमाटर के बनती ही नहीं है। अगर आप लोग में से कोई प्याज नहीं खाता है तो वो इसको स्किप भी कर सकते हैं।
ये देखिए, अब इसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे टमाटर। टमाटर डाला। अब सबसे पहले हमारी जो इसमें दही हमने रेडी करी है छान करके, वो हम इसके ऊपर डालेंगे। इसके बाद हमारी है धनिया वाली चटनी जो हमने पीस के रखी है, देखिए धनिया की चटनी। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये इमली की चटनी। पापड़ी है तो थोड़ा खट्टा मीठा तो होना ही चाहिए स्वाद। अब हम इसके बाद इसमें डालते हैं हल्का सा काला नमक। चाट मसाला चटपटा स्वाद देने के लिए। नमक हमने इसलिए प्रयोग नहीं किया क्योंकि मैदे में भी नमक डाला था और चटनी में भी नमक होता ही होता है हरी धनिया की चटनी में, इसीलिए। और ये लाल मिर्च पाउडर हल्का सा तीखा स्वाद देने के लिए। इसके बाद आखिर में अब हम इसके ऊपर डालेंगे अपनी सेव। ये देखिए क्रिस्पी क्रिस्पी सेव। अगर आपके पास सेब नहीं है तो जो आपने पापड़ी बनाई है उसी को ठंडा करके क्रश करके ऊपर से डाल दीजिए। ये देखिएगा आज की आपकी पापड़ी चाट तैयार है। आशा करते हैं आप लोगों को भी पसंद आई होगी। और प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और इसको बनाइएगा जरूर।